ध्यान मुद्रा बनाकर बैठ गए। चलो तो बीज मंत्र जो रम है उसका चेंटिंग की शुरुआत करते स्लो गति से। तो चलो रम 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 शांति शांति शांति। आधे मिनट आराम से बैठे रहिए, अपने ही श्वास को आप देखते जाओ। जो भी जैसे भी श्वास चलती है उसको हम चलने देते हैं। वेरी गुड, धीरे से आंखें खोल देंगे, धीरे से आंखें खोल दीजिए। तो एक ये जो ओंकार हमने किया करीब हमने 2.5 मिनट जितना कर लिया है, आप थोड़े थक गए हैं, अब थोड़ा और थकान करने के लिए इससे थोड़ा मध्यम स्पीड वाला है वो करीब 2 मिनट तो वो भी ओंकार कर लेते हैं। मेन है प्रैक्टिकल, आगे भी ध्यान रखेंगे तो भी चलेगा। मैंने अपने YouTube पर नाभि केंद्र के बारे में पूरा 2 प्रवचन इसमें रख दिए, तो वो भी आप सुन सकते हैं। तो वो डिटेल में नहीं जाते, बस प्रैक्टिकल पर ध्यान देना है। तो आप नाभि पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या तो अपने पीछे के एरिया में, नाभि के बिल्कुल पीछे, वहाँ ध्यान केंद्रित करते हुए करना है और सोचना है पॉजिटिव कि ये जो मैं रम करता हूँ ये बीज मंत्र से मेरे मणिपुर चक्र पर इसकी इफेक्ट होती है और मेरा मणिपुर चक्र अच्छी तरह से काम करने लगा है। तो आपको जो पेट की छोटी मोटी बीमारी, गैस, कब्जी, एसिडिटी अपने आप भाग जाएगी, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ बन जाएगा। तो चलिए ये दूसरा मेथड है वो हम करने की कोशिश करते हैं, वो भी करीब 2 मिनट करेंगे। एक रम के साथ दूसरे रम को जोड़ देना है तो इस लय के साथ करेंगे।
तो मेरे साथ आप करिए, शुरुआत करते हैं हम। रम 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 शांति शांति शांति। आधे मिनट एक मिनट आंखें बंद रखकर शांति से बैठिए, अपने ही श्वास को देखते जाते हैं। अब जो भी जैसे भी श्वास चले चलने दीजिए। हाँ, मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, आपका नाभि केंद्र बिल्कुल थ्रू आउट, बाहर से लेकर भीतर तक, पीछे कमर के एरिया तक आप ध्यान केंद्रित वहाँ कर सकते हैं। आपका नाभि केंद्र अच्छी तरह से काम करता है, वहाँ समान वायु काम करता है, तो समान वायु भी आपका ठीक से काम कर रहा है, पेट के आपके दर्द सभी चले गए, ऐसा आप पॉजिटिव सोच सकते हैं। क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे, तो हम पॉजिटिव ही सोचेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे, धीरे से आंखें खोल दीजिए। तो दो प्रकार के हमने रम का चिंटिंग, ये जो मणिपुर चक्र का बीज मंत्र वो रम, उसका चिंटिंग किया। अब हम दो मिनट के लिए करेंगे एकदम फास्ट। इसमें क्या करना है, एक रम जो बोलेंगे उसके ऊपर दूसरा रम, जैसे ओवरलैपिंग हो जाता है, ऊपर चढ़ जाता है, ऐसा लगना चाहिए, इतना स्पीड में करना है। तो शुरुआत करते हैं, हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। रम 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 रम
राम 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 शांति शांति शांति। आंखें बंद रखिए। करीब हमने 2.5 मिनट रम बीज मंत्र किया। आंखें बंद, अपने श्वास को देखते जाओ। जो श्वास की गति फूल गई है चिंता मत करो, तेजी से श्वास चलती है, चलने दो। बस श्वास को देखते जाओ, श्वास भीतर आ रही है धीरे से उच्छ्वास, श्वास बाहर की ओर जा रही है। अपने हरे श्वास को देखते जाएंगे, धीरे धीरे श्वास की गति कम हो जाएगी। अगर शरीर में कोई थकान पेन दर्द हो रहा है वो भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो ऐसे 3 प्रकार से हमने मणिपुर चक्र का जो बीज मंत्र रम, तो रम का हमने चेंटिंग अच्छी तरह से कर लिया। आप 2-5 मिनट से लेकर लगातार 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक कर सकते हैं, लेकिन जिसे अनुभव से कहते हैं 1.5 घंटे के बाद कभी भी आपकी आवाज़ बंद हो सकती है। चिंता मत करो, करते जाएंगे, धीरे 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 आप उसमें सफलता मिलेगी। अस्तु, हरिओम तत्सत।